मध्य प्रदेश शिवपुरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया बड़े ही दुखी मन से नगर पालिका परिषद से अपनी हार मंजूर कर ली है। दरअसल शिवपुरी के लोग गर्मी के मौसम में जल संकट से जूझ रहे हैं। सिंध नदी में पानी लाने की मनीखेड़ा परियोजना आदि अधूरी रह जाने से जल संकट को दूर करने की उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। हालांकि इस परियोजना से पानी के मुफ्त टैंकर तो भरे जा रहे हैं, लेकिन बात सामने आई है कि लगभग 600 रुपए में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मंत्री लगातार इस परियोजना की निगरानी व समीक्षा कर रही है। सही नगर पालिका हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपके अलग से 5 रोड आए हैं आपके मुख्यमंत्री अधोसंरचना में, जिसमें कोर्ट रोड भी है। कृपया मैं कलेक्टर साहब से भी कहूंगी कि जल्दी करें। मैंने अपनी जिम्मेदारी ले आई, सब पैसा है, कोई एक नहीं कह सकता कि पैसा नहीं है, तो फिर डिले काहे का। मैं तो हार गई, ये जो चीज है नगर पालिका के साथ, मैं तो हार गई। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनता को कम से कम आप बता दो, तो ये मेरी गलती नहीं है। आप भी सजग हो, अगर मैं इतनी मशक्कत कर सकती हूँ, क्या मेरा काम है सुपरवाइजरी करना? क्या मेरा काम है इंजीनियर बनना? क्या मेरा काम है जॉइंटिंग का रिपेयर करना? पर मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है पानी पहुंचाना इस गर्मी में। जब मैं देखती हूँ कि 1 बजे जब मैं आती हूँ रात को ट्रेन पकड़ने के बाद शिवपुरी, तो आपकी लाइनें लगी हुई है पानी कलेक्ट करने के लिए, मेरा दिल दुखता है। इसीलिए कम से कम 1 हफ्ते में तो मैं देखती हूँ कि ये सब जुड़ जाएंगे आपके सब पर, कम से कम पानी तो डल जाएगा सब पेड़ों में, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पानी आ जाए, राइट। फिर रह गए आपके 10-11 और, राइट। तो पानी के टैंकरों को भी तो थोड़ा सा आप लोग देखो क्या खेल खिलावट हो रही है। अब तो आपको एयरपोर्ट से आने की जरूरत नहीं है, आपको तो शहर में ही है, आधा रास्ता तो खत्म, फिर भी आपके टैंकर चल रहे हैं, उतने ही टैंकर चल रहे हैं, हजारों लीटर के टैंकर चल रहे हैं। क्या ये मेरा काम है देखने के लिए कि भैया तुमने कितना लीटर भरा और कहां तुम जा रहे हो इसको लेकर? फिर अध्यक्ष का काम क्या है? 40 फीट नीचे कुएं में उतरकर पानी भरने को ग्रामवासी मजबूर। शिवपुरी जिले के कोलारस के ग्राम आटामानपुर में जल संकट की मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीण भीषण गर्मी में बिजली के बगैर पानी के लिए मोहताज हैं। ग्राम आटामानपुर में जल संकट इतना गहरा गया है कि यहां पानी के लिए जान जोखिम में डालकर एक एक बाल्टी के लिए करीबन 40 फीट नीचे कुएं में उतरकर एक गड्ढे से पानी निकालकर दैनिक उपयोग में लिया जा रहा है। गाँव में एक सरकारी हैंडपंप है जो की खराब पड़ा है, साथ ही सरकारी बोर भी कराया गया था जिसमें पानी तो है पर मोटर तथा विद्युत न होने से ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोलारस से मोनु प्रधान की रिपोर्ट। भर के पानी पी रहे हैं वो भी कम है। अभी आप लोगों ने जो स्थिति बताई है उसके बारे में कल मैं पीएचई वालों को भिजवाता हूँ और मैं भी स्वयं देखूँगा और जो भी वहाँ समस्या है उसका निराकरण हम लोग करेंगे सर, जिससे उनको पानी की समस्या ना आए। जहाँ तक आपने बताया कि बोर है, मोटर नहीं डाली गई है, तो अगर वहाँ संभव हुआ तो हम उसको मोटर भी जल्दी डलवा देंगे। सर जैसे कि जो विधायक निधि द्वारा टैंकर दिए गए हैं सर, वो चूंकि ग्रामीणों के पानी पहुंच सके गांव गांव इसलिए दिए गए हैं, पर वो सर निर्माण में लोगों को ये टैंकर यूज करते देखा गया सर। अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा।